नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं रवीश। नेशन एट नाइन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक की और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। आपको बता दें कि आज 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे हाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में सम्मिलित होंगे। उसके बाद करीब 3:15 बजे भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज मिल जाएगी। ये नई दिल्ली से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पहली हाई स्पीड ट्रेन होगी। रेलवे ने ट्रेन की औसत गति 91 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली की दूरी 7 घंटे 40 मिनट और नई दिल्ली से रानी कमलापति की दूरी 7 घंटे 50 मिनट में तय करेगी। हालांकि अभी शताब्दी एक्सप्रेस रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली की दूरी 8 घंटे 35 मिनट और नई दिल्ली से रानी कमलापति स्टेशन की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में पूरा करती है। आने जाने में समय का मामूली अंतर अप ट्रैक के ज्यादातर घुमावदार होने के चलते आता है। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है, जहां आज अमित शाह मिजोरम के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 2,414 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय परिसर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत एकीकृत कमान एवं नियंत्रण क्रेन का उद्घाटन करेंगे। अगर इन परियोजनाओं की बात करें तो इनमें शामिल हैं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय परिसर, जोखावसांग मूल्य के निर्माण और उद्घाटन, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का निर्माण। इसके अलावा गृह मंत्री जोरनपुई लोंगसू NH-502A के निर्माण, आइजोल बाईपास NH-6 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। आइजोल बाईपास NH-6 का निर्माण और लालडेंगा केंद्र का निर्माण। वहीं कार्यक्रम में केंद्र और मिजोरम सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अगली खबर बिहार से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए बिहार पहुंचेंगे। वहीं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में पार्टी के ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से शाह 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा जिलों में 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी यात्रा महत्वपूर्ण है और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देगी। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह का यह 5वां बिहार दौरा है। अगली खबर नागपुर से है, जहां आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नितिन गडकरी कई कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर गडकरी ने उन अफवाहों और अटकलों पर विराम लगा दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति पर उनके राजनीति से संन्यास लेने के दौरान ये बात आई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरा राजनीति से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के मामलों में लगातार जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के 6 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि हमारी सरकार कोरोना वायरस से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सरकारी लैब में 4,000 टेस्ट करने की क्षमता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पास 7,986 बेड तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश के 6 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन 6 राज्यों की सूची में दिल्ली का नाम नहीं। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के कंझावाला में लड़की को कार से 12 किलोमीटर तक घसीटने की खबर ने राजधानी को हिलाकर रख दिया था। वहीं आज दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट फाइल करने जा रही है, जिसमें 7 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस हत्या की धारा के तहत चार्जशीट फाइल करने जा रही है। इसके अलावा इसमें सबूत मिटाने की धारा 201 भी लगाई गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कुल 7 आरोपियों में से 4 के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। ये 4 वो लोग हैं जो दुर्घटना के वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद थे। इनके नाम अमित खन्ना, कृष्णा, मिथुन और मनोज मित्तल हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के हाथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, जिनसे बात साफ होती है कि दुर्घटना के स्पॉट के कुछ ही दूरी पर आरोपियों को पता लग गया था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है। उन्होंने कार रोकी, नीचे देखा और फिर अंजलि को बचाने की कोशिश नहीं की, साथ ही वापस कार में बैठाकर वहां से भागने लगे। इस वजह से पुलिस ने कार में बैठे सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।
अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करते हैं, जिन्होंने भरतपुर में कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के नए जिले बनाने को लेकर कहा कि पहले भरतपुर डिवीजन में 4 जिले आते थे, लेकिन नए जिले बनने के बाद अब 6 जिले आते हैं, जिससे यहां के लोगों को इसका काफी फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी शहीद हो गए, उनकी मां सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया, जिस परिवार ने देश को पूरी संपत्ति दे दी उसके नौजवान का आप मकान भी छीन रहे हो, ये आपका सबसे बड़ा षड्यंत्र है। अब बात करते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। दरअसल बिहार में पिछले दिनों बिजली रेट बढ़े तो सियासी हंगामा मच गया, जिसके बाद नीतीश कुमार सरकार विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गई। इसके बाद कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। तो वहीं डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार पर खूब तंज कसा और कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार से कितने लोग मंत्री बने, एमपी बने, लेकिन बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ही किया जा रहा है। अगली खबर भी बिहार से, जहां सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। सासाराम में दो समुदाय के बीच पथराव के बाद आगजनी की गई, साथ ही पूरे शहर में धारा 144 को लागू किया गया। बता दें कि रामनवमी के जुलूस के बाद देर रात लौट रहे लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई, साथ ही कुछ मंदिरों पर पथराव भी हुए थे, जिसके बाद देखते ही देखते सासाराम के सहजलाल इलाके में पथराव शुरू हो गया। उपद्रव में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, वहीं कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगात दी है। सीएम धामी ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 बेड के नए ब्लॉक का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सीसीबी, रुद्रप्रयाग सीसीबी और नैनीताल सीसीबी का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत की है। हमारी सरकार ने राज्य में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने का काम किया। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां सिलीगुड़ी में G20 पर्यटन समूह की बैठक होने वाली है। वहीं इस बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। G20 भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगाला और पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने सिलीगुड़ी में होने वाले पर्यटन कार्य समूह की आगामी दूसरी बैठक की तैयारी के रूप में दार्जिलिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान G20 भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगाला ने कहा कि सिलीगुड़ी में महत्वपूर्ण G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आयोजन इस क्षेत्र को पर्यटन और MIC के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, और उन्होंने कई और जानकारियां दी। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों ने बताया कि आज से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। आज से टोल में 18% की वृद्धि होगी। वहीं टोल में सालाना 6% की वृद्धि होगी, जो हर 3 साल बाद कुल 18% हो जाती है, जैसा कि 9 अगस्त 2004 की एक सरकारी अधिसूचना में बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस वृद्धि से कार और जीप जैसे चौपहिया वाहनों के लिए टोल 270 रुपए से बढ़कर 320 रुपए हो जाएगा। टेम्पू जैसे वाहनों के लिए 420 रुपए से बढ़कर 495 रुपए हो जाएगा। वहीं एक्सेल ट्रक पे टोल जो है वो 585 रुपए से बढ़कर 685 हो जाएगा। बसों के लिए 797 रुपए से 940 रुपए हो जाएगा। 3XL ट्रक की अगर बात की जाए तो 1380 से ये बढ़कर 1630 हो जाएगा, और जो बड़े वाहन है 1835 रुपए से बढ़कर 2065 रुपए हो जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां कानपुर के याद टावर के बाद कानपुर देहात में भी आग का तांडव देखने को मिला। दरअसल रनिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बंद पड़ी लक्ष्मी ऑयल मिल में अचानक आग लग गई। महज कुछ मिनट में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि GST चोरी को लेकर 4 साल पहले प्रशासन ने मिल बंद कराई थी, जिसके बाद भी कुछ कर्मचारी फैक्ट्री में चोरी से काम कर रहे थे। वहीं कानपुर देहात की दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में नाकाम हो गई। आपको बता दें कि कानपुर नगर के AR टावर की आग ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में लक्ष्मी ऑयल मिल में अचानक आग लग गई। वहीं हमराज कॉम्प्लेक्स में आग ने फिर विकराल रूप ले लिया। 20 घंटे से स्पेशल टीम आग पर काबू नहीं कर पाई। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां से उत्तर प्रदेश में महंगी हो जाएगी शराब। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज से नई आबकारी नीति लागू होने से शराब की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। नई आबकारी नीति 2023-24 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। विदेशी शराब, बियर, फुटकर दुकानों और मॉडल दुकानों के लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की गई है। अगर शराब की कीमतों की बात करें तो आज से देसी शराब के क्वार्टर पर करीब 5 रुपए और अंग्रेजी शराब के पॉपुलर ब्रांड में क्वार्टर पर करीब 10 रुपए की दर से शराब मूल्य में वृद्धि होगी। बियर के दाम 1 केन पर 5 से 7 रुपए तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा साल 2022-23 की तुलना में साल 2023-24 में देसी शराब में न्यूनतम गारंटी कोटा पर 10% की वृद्धि हो गई है। वहीं शराब विक्रेताओं को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार देसी और अंग्रेजी
शराब और बियर की 10% अधिक बिक्री करनी होगी। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ओपीएस लागू करने को मंजूरी दी गई है और इससे राज्य सरकार पर 1,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। वहीं कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 को समाप्त करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को 11,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी। वहीं कैबिनेट ने तय किया है कि कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि के दायरे में लाया जाएगा। वहीं 15 मई 2003 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अधिकारियों को भी संभावित तारीख से पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। अगली खबर पंजाब से है, जहां आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की सेंट्रल जेल से करीब 10 महीने बिताने के बाद रिहा हो सकते हैं। आपको बता दें कि सिद्धू के परिवार वालों और वकील ने जानकारी दी है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि 59 वर्षीय सिद्धू को रिहा किया जा रहा है। वहीं इस मामले में संपर्क किए जाने पर पटियाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक MS तिवाना ने कहा कि जब उनकी रिहाई के आदेश आएंगे तो हमें सूचित करा जाएगा, हम आपको बता देंगे। सिद्धू को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेस केस में 1 साल की सजा सुनाई थी। वो पिछले 10 महीने से जेल में बंद हैं। दरअसल सिद्धू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई की थी, इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि रिपोर्ट्स में सामने आया था कि शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगली खबर भी पंजाब के जालंधर से है, जहां भारत से नेपाल के लिए धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन कल सिटी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन रवाना करने से पहले रेलवे स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं DRM फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को नेपाल के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि जालंधर से सुबह 8:30 बजे चली ट्रेन अयोध्या प्रयागराज वाराणसी से होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन पर्यटकों श्रद्धालुओं को कराएगी। इस स्पेशल ट्रेन में दो देशों भारत और नेपाल के प्रमुख तीर्थ स्थलों को कवर करते हुए भारत गौरव पर्यटक अयोध्या के अलावा नंदीग्राम प्रयागराज वाराणसी को जोड़ा गया है। इसको लेकर यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां दही शब्द पर चल रही सियासत के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपनी गाइडलाइंस में संशोधन कर दिया है। अब दही शब्द की बजाय अंग्रेजी में कर्ड लिख सकते हैं। इसके साथ ही ब्रैकेट में स्थानीय में से किसी एक का जिक्र भी कर सकते हैं। दरअसल FSSAI ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को एक आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार दही के पैकेट पर प्रमुखता से दही लिखने का निर्देश दिया था, जिसका CMM के स्टालिन ने भी विरोध किया था। स्टालिन ने दही के पैकेटों पर दही लिखकर हिंदी को थोपे जाने का आरोप लगाया था। स्टालिन ने कहा था कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को देश के दक्षिणी हिस्सों से निर्वासित किया जाएगा। इसी कड़ी में मिल्क वेलफेयर एसोसिएशन ने दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखे जाने पर कड़ा एतराज जताया और स्थानीय लोगों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की, जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग की टीम भी मुस्तैद हो गई है। वहीं चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने CM मुंबई की कार की तलाशी ली। दरअसल CM डोड्डा बल्लापुर में श्री घाटी सुब्रमण्य मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में फ्लाइंग स्क्वाड ने उनके काफिले को रोका। आयोग की टीम ने CM की कार को भी रोका और उसकी तलाशी ली। आयोग ने कार के बूट स्पेस को भी चेक किया। तलाशी के बाद CM का काफिला आगे बढ़ा। गौरतलब है कि कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब बात कर लेते तेलंगाना की, जहां YSRTP तेलंगाना पार्टी की मुखिया YS शर्मिला ने TSPSC पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शर्मिला की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शर्मिला को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन शर्मिला ने पुलिस कार्रवाई की अवहेलना करते हुए विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने शर्मिला को पुलिस वाहन में बैठाया। वहीं शर्मिला ने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में केवल छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि शक्तिशाली लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब भी हमने विरोध करने की कोशिश की तो पुलिस ने हमें नजरबंद कर दिया और मेरे लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया। अब खबर केरल से है, जहां पलक्कड़ जिले की विशेष अदालत मधु मॉब लिंचिंग मामले में 4 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। मनारकड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अदालत ने मामले पर विचार करते हुए फैसले की तारीख का ऐलान किया। मामले में 16 आरोपी हैं, साथ ही इस मामले में 129 गवाह थे। बता दें कि केरल के समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली घटना 22 फरवरी 2018 की है, जहां मानसिक रूप से बीमार मधु को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। इस दौरान एक शख्स ने मॉब लिंचिंग की इस घटना का वीडियो बना लिया था। उसी शख्स ने गंभीर रूप से घायल मधु को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई थी। आगे चलकर इस मामले की सुनवाई पलक्कड़ के
मनारकड़ की एक विशेष अदालत में शुरू हुई, जिस पर 4 अप्रैल को फैसला आना है। आपको बता दें कि पिछले 4 वर्षों से अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए मधु की मां अदालतों के चक्कर लगा रही है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां विशाखापट्टनम जाने वाली दुरंतो एक्सप्रेस 30 मार्च को एलुरु में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल सिकंदराबाद से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन ने एक वाहन को पटरियों पर टक्कर मार दी। हादसे में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, क्योंकि इसमें सवार लोग इसे रेलवे ट्रैक पर छोड़कर भाग गए। बता दें कि घटना की सूचना तब मिली जब ट्रेन भीमाडोल जंक्शन से गुजर रही थी। वाहन ने बार बार टकराकर एक लेबल क्रॉसिंग बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब ट्रेन पास आई तो वो उसे पटरियों पर छोड़कर भाग गए। वहीं टक्कर से ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रेन का इंजन बदला और बाद में ट्रेन विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 22 मिनट पहले गंतव्य पर पहुंची। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन सुबह 5:40 पर चेन्नई से रवाना हुई और सुबह 11:18 पर कोयम्बटूर पहुंची। कुल यात्रा समय 5:38 लगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे, जिनमें एक एग्जीक्यूटिव कोच और कुल 530 सीटें हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को औपचारिक उद्घाटन करेंगे, उसके बाद ही ट्रेन के आगमन और प्रस्थान का समय तय किया जाएगा। अगली खबर नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को लेकर है। आपको बता दें कि आज से नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आगाज हो चुका है, इसलिए कई ऐसे नियमों में बदलाव हुआ है जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। टैक्स से लेकर सेविंग स्कीम तक के नियम बदले हैं। आज से नए इनकम टैक्स रिजीम में स्लैब लागू हो गए हैं। देश में गोल्ड की बिक्री को लेकर भी आज से नए नियम प्रभावी हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बदलाव आज से हुए हैं। 1 अप्रैल यानी आज से देश में नए इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब जो है वो लागू हो गए हैं। सरकार ने आम बजट 2023 में नए स्लैब का ऐलान किया था, जिसमें स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया था। सरकार ने कहा कि नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी। अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो उसे इसके लिए फॉर्म भरना होगा। वहीं आज से गोल्ड की ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग ही मान्य होंगे। 4 अंकों के हॉल मार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वेलरी की बिक्री अब नहीं हो सकेगी। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी आज से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो रहा है और 1 अप्रैल से देश में कई नए फैसले जो हैं वो लागू हो रहे हैं, जो आपकी जिंदगी पर सीधा असर डाल सकते हैं। टैक्स रिजीम जैसे है वो नया लागू हो जाएगा। एनएसई लेन देन शुल्क में 6% की बढ़ोतरी वापस लेना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शनिवार से नगद इक्विटी और वायदा एवं विकल्प खंड में लेन देन शुल्क में 6% की वृद्धि को वापस लेने का फैसला लिया है। अतिरिक्त शुल्क 1 जनवरी 2021 को प्रभावी हुआ है। अगली खबर देश के कई राज्यों से मौसम को लेकर है, जहां एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में 31 मार्च को बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज भी कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश हो सकती है।